जी सरला ठकराल को लॉक किया जाए और देखा जाए इनका जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही है और आप बनते हैं विद्यालय के छठे सैकड़ापति। लीजिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नमस्कार, हम इस समय चरगामा क्षेत्र के नारायणपुर कंपोजिट विद्यालय में और एक नए तरीके से शिक्षा का जो ट्रेंड चला है उसको लेकर हम नए एपिसोड में आए हैं। आप देख सकते हैं कौन बनेगा सैकड़ापति, कौन बनेगा सैकड़ापति। एक नए तरीके से अब यहाँ पे एक अध्यापक हैं, वो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और खेला रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नया तरीका है जिससे बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा और एक खेल के माध्यम से उन्हें विशेष जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम अध्यापक यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस प्रकार से ये कार्यक्रम आप करते हैं। सर, चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग बच्चों में सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सामान्य ज्ञान का बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनको ज्ञान हो, इसके लिए हमने 2 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अच्छा, तो इस कार्यक्रम को अब शुरू किया जाए। जी ठीक है। हम खड़े हैं कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर ब्लॉक चरगामा जनपद गोरखपुर में और अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कौन बनेगा करो सैकड़ापति, एक जानदार शानदार और धनदार कार्यक्रम कौन बनेगा सैकड़ापति। और आज के हमारे कार्यक्रम में हॉट सीट पर बैठने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे कक्षा 7 के राज और शैलेश को। आइए। और अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कौन बनेगा सैकड़ापति, कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर ब्लॉक चरगामा जनपद गोरखपुर के प्रांगण में। तो कैसा लग रहा है राज जी? अच्छा लग रहा है। 100 रुपया जीत कर जाएंगे यहाँ से, कैसा लगेगा, कैसा महसूस करेंगे जब 100 रुपया जीत कर जाएंगे? तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा लगेगा। यस सर। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कौन बनेगा सैकड़ापति और आज का हमारा पहला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कब पहले कुछ हम आपको नियम बता दे, इसमें 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, प्रति सवाल आपको 10 रुपया मिलेगा। 3 इसमें लाइफलाइन का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला लाइफलाइन है आपका ऑडियंस पोल, फोन ए फ्रेंड और 50-50। जब भी आपको आवश्यकता हो आप इस तीनों का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें 2 पड़ाव है, 1 पड़ाव है 10 रुपया पे और 1 पड़ाव है 50 रुपया पे। 10 रुपया जीतने के बाद यदि दूसरा तीसरा चौथा सवाल आपका गलत हो जाता है तो आप 10 रुपया पाएंगे और 50 रुपया का पड़ाव पार करने के बाद पांचवा छठा सातवां सवाल आपका सही गलत होता है तो आप 50 रुपये पे आ जाएंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? 10 रुपये का सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? दस रुपए का सवाल है पहला सवाल, वंदे मातरम। किसने दिया वंदे मातरम का नारा? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रगान होता है एक राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगान तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की रचना है और ये वंदे मातरम किसकी रचना है, जिसको राष्ट्रीय गीत बोला जाता है, नेशनल सॉन्ग, किसने लिखा इसको? सर बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। सोच लिया है? यस सर। जाएंगे? यस सर।
कंप्यूटर जी, बंकिम चंद चटर्जी को लॉक किया जाए और देखा जाए राज और शैलेश जी का यह जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब। और आप यहाँ पे 10 रुपया जीत रहे हैं। पहला पड़ाव आपका 10 रुपये का है, आगे खेलना चाहेंगे तो आज का दूसरा सवाल 20 रुपये का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? पहला सवाल अमित शाह, दूसरा किरण रिजिजू, तीसरा अनुराग ठाकुर, चौथा राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी के साथ जाना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, राजनाथ सिंह जी को लॉक किया जाए और देखा जाए 20 रुपये का यह सवाल सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा खेल रहे हैं, क्या करेंगे इतना रुपया जीत कर? बहुत बड़ा अमाउंट होता है 20 रुपया, क्या करेंगे 20 रुपया अमाउंट जीत कर? कॉपी खरीदेंगे और क्या करेंगे? एजुकेशन में सब खर्च हुआ, एजुकेशन पे खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आज का तीसरा सवाल 30 रुपये का, 23 नवंबर का दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 नवंबर को राष्ट्रीय झंडा दिवस, किसान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और मानव अधिकार दिवस। 23 दिसंबर कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस है 23 दिसंबर? अभी 4-5 दिन पहले ही बीता है सर। किसान दिवस। किसान दिवस कन्फर्म है कि तुक्का मार रहे हैं? कन्फर्म है। कंप्यूटर जी, किसान दिवस को लॉक किया जाए और देखा जाए 30 रुपये का यह सवाल सही है या गलत है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। और बिल्कुल सही जवाब। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। 30 रुपया जीत चुके हैं आप। चौथा सवाल आज का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है उनको। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे। सर पहला सर 21 जून। 21 जून के साथ जाना चाहेंगे? सोच लिया है कि तुक्का मार रहे हैं? सोच लिया है। कंप्यूटर जी, 21 जून को लॉक किया जाए और देखा जाए किनका जवाब सही है या गलत है। 2015 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के 195 देशों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की थी 21 जून को। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो आप जीत चुके हैं 40 रुपया। अब आपका दूसरा पड़ाव आने जा रहा है 50 रुपये का। पांचवा सवाल 50 रुपये का, भारत में कोरोना का पहला केस कब और कहां हुआ था? भारत में कोरोना का पहला केस कब और कहां हुआ था?
पहला ऑप्शन है 2 मार्च 2020 गोवा में, दूसरा है 30 जनवरी 2020 केरला में, चौथा है 26 जुलाई 2020 राजस्थान में, और चौथा है 17 नवंबर 2019 गोवा में। ये रहा पांचवा सवाल, ₹50 का, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में कोरोना का पहला केस कब आया था और कहां आया था? ₹30 जनवरी 2020 केरला में। दूसरा 30 जनवरी 2020 कंफर्म है? पहला केस 30 जनवरी 2020, तुक्का नहीं ना मार रहे हैं, कंफर्म है, पढ़ा है, काफी मेहनत करते हैं लग रहा। कंप्यूटर जी 30 जनवरी 2020 को लॉक किया जाए और देखा जाए राज और शैलेश जी का जवाब सही है या गलत है। बहुत अच्छा खेल रहे थे, काफी धैर्य बुद्धि लगा रहे थे, और आपका जवाब बिल्कुल सही, पहला केस भारत में कोरोना का 30 जनवरी 2020 को आया था केरला में, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आप दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, अब आपका कोई जवाब गलत होगा तब भी आप ₹50 लेकर जाएंगे। खेलना चाहेंगे आगे भी, सैकड़ापति बनेंगे? अगला सवाल ₹60 का, पीतल लगड़ी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा मथुरा, तीसरा मुरादाबाद और चौथा है आगरा। ये छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, पीतल लगड़ी। आपके पास 3 लाइफलाइन भी है, आप चाहे तो लाइफलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद कंफर्म है कि तुक्का मार रहे हैं? कंफर्म है मुरादाबाद, मुरादाबाद के साथ जाना चाहेंगे? कंप्यूटर जी मुरादाबाद को लॉक किया जाए और देखा जाए इनका जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब, 60 रुपया जीत चुके हैं, दूसरे पड़ाव से आगे जा चुके हैं। 4 सही जवाब आपको सैकड़ापति बनाएगा। इस विद्यालय के आप 6ठे छात्र होंगे जो सैकड़ापति बनेंगे। अभी तक जितने बच्चे आए हैं सब सैकड़ापति बनकर गए हैं। अगला सवाल ₹70 का, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला जवाब आगरा, दूसरा प्रयागराज, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ। ₹70 का सवाल। सातवां सवाल, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपको बताना है। तीसरा कानपुर। कानपुर के साथ जाना चाहेंगे? कन्फर्म है? अभी 3 लाइफलाइन भी है आपके पास, आप चाहे तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। गलत जवाब ₹50 पे पहुंचा देगा, सोच लिया? कंप्यूटर जी कानपुर को लॉक किया जाए और देखा जाए जवाब इनका सही है या गलत है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कभी कभी आप लोग, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नुकसान भी कर देता है। कैसा लग रहा है? इतना अच्छा खेल रहे थे, कैसा महसूस कर रहे हैं?
सैकड़ापति बनने आए थे। कैसा लग रहा है शैलेश जी? बिल्कुल सही जवाब। ₹70 जीत चुके हैं। क्या करना चाहेंगे ₹70 से? खर्च करेंगे, दोस्तों को पार्टी देंगे। एजुकेशन पे खर्च करेंगे और दोस्तों को पार्टी देंगे। यस सर। ये जो दोस्त यहाँ बैठे हैं आपके। यस सर। और कुछ करना चाहेंगे? पार्टी। चलिए देखते हैं, अभी तीन सवाल और हैं सैकड़ापति, अभी तीन और आपके पास लाइफलाइन भी है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ₹80 का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके पास तीन लाइफलाइन भी है, आप लाइफलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑडियंस बैठी है यहाँ, बहुत ऑडियंस, काफी विद्वान ऑडियंस है। 50-50 है ऑडियंस, पोल है, फोन ए फ्रेंड है। दूसरा के साथ जाना चाहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। सोच लीजिए, अभी तीन लाइफलाइन भी है आपके पास, तीन लाइफलाइन भी है, लाइफलाइन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी जवाब ना मालूम हो तो लाइफलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी खेल का एक हिस्सा है लाइफलाइन। ऑडियंस पोल। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल की अनुमति दी जाए। और यहाँ पे जो ऑडियंस बैठे हैं, जिनको भी जवाब मालूम होगा अपना हैंड रेज करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताएं सुंदरम जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। यस सर। जाना चाहेंगे इनके साथ? राज जी, सुंदरम जी के साथ जाना चाहेंगे? बहुत भरोसा है इन पे। कंप्यूटर जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को लॉक किया जाए और देखा जाए इनका जवाब सही है या गलत है। बहुत भरोसा है ऑडियंस पे, इन कभी कभी ऑडियंस भी धोखा दे देती है, और आपके साथ भी वही हुआ। कैसा लग रहा है? सर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। भरोसा टूट गया? भरोसा मत छोड़िए। और बिल्कुल सही जवाब, ₹80 जीत चुके हैं आप। दो सवाल आपको सैकड़ापति बनाएगा। नौवां सवाल ₹90 का। पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तीसरा पन हरिम के कारण और चौथा नाइट्रोजन के कारण। ये आपका नौवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तीसरा।
पनहरीम के साथ जाना चाहेंगे? कंप्यूटर जी, पनहरीम को लॉक किया जाए और देखा जाए इनका जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं 90 रुपया। एक सवाल आपको सैकड़ापति बनाएगा। और आज का 10वां और अंतिम सवाल 100 रुपये का सैकड़ापति के लिए। भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट। पहला ऑप्शन है सरला ठकराल, सावित्री बाई फूले, शीला कौल और बसंत कुमारी। 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सैकड़ापति बनाएगा, गलत जवाब 50 रुपया पे पहुंचाएगा, सही जवाब सैकड़ापति बनाएगा। गेम आप क्विट करेंगे तो 90 रुपया लेकर जाएंगे। बसंत कुमारी। सोच लीजिए, अभी लाइफलाइन भी है आपके पास, 50 रुपया पे चले जाएंगे सीधे। गलत जवाब 50 रुपया, गेम क्विट करेंगे तो 90 रुपया लेके जाएंगे और सही जवाब सैकड़ापति बनाएगा। लाइफलाइन का प्रयोग करेंगे। कौन सा लाइफलाइन? कौन है फ्रेंड? बोले फ्रेंड, मोबाइल ले आओ, मोबाइल ले आओ, लॉक करें। कंप्यूटर जी, किसको फोन करना चाहेंगे? किसको फोन करेंगे? किसको फोन करेंगे? सुंदरम जी को। मोबाइल ले आ भाई। अरे मोबाइल ले आओ ना, गई है डायल कराने ना। कंप्यूटर जी, सुंदरम जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सुंदरम जी को फोन लगाया जाए। सुंदरम जी बोल रहे हैं, सुंदरम जी बोल रहे हैं, मैं कौन बनेगा सैकड़ापति से विक्रम जी बोल रहा हूँ। आपके एक दोस्त एक सवाल के जवाब में आपकी सहायता चाहते हैं।
भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? पहला ऑप्शन है सरला ठकराल, दूसरा सावित्री बाई फूले, तीसरा शीला कौल, चौथा बसंत कुमारी। पहला ऑप्शन के साथ सरला ठकराल जाना चाहेंगे? धन्यवाद बोलिए इनको। धन्यवाद सुंदरम। ठीक है, धन्यवाद सुंदरम जी, जाना चाहेंगे इनके साथ, सरला ठकराल के साथ। कंप्यूटर जी, सरला ठकराल को लॉक किया जाए और देखा जाए इनका जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही है और आप बनते हैं विद्यालय के छठे सैकड़ापति। लीजिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये बताइए, ये बच्चों को आप सैकड़ा पति खिला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों में सामान्य ज्ञान की समझ को विकसित करने के लिए, क्योंकि आगे चल के यही बच्चे जब कंपटीशन की परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ सामान्य ज्ञान के सवाल आएंगे। तो शुरू से ही बच्चों, यहाँ बेसिक से ही हमारे यहाँ आधे घंटे की असेंबली होती है, उसमें 10 मिनट हम लोग सामान्य ज्ञान पे देते हैं कि जिससे बच्चों के अंदर सामान्य ज्ञान की समझ विकसित हो। इसलिए हमने 2 अक्टूबर से एक कौन बनेगा सैकड़ापति भी प्रारंभ किया है और ये हमारे विद्यालय के 7वें सैकड़ापति हो चुके हैं। अभी तक जितने बच्चे आए हैं सब 100 रुपया जीत कर गए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एक कॉपी बना, जो भी सवाल मैं बताता हूँ उनको एक कॉपी में नोट करते हैं और प्रतिदिन याद करने का काम करते हैं। असेंबली में भी ये बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और एक एक सवाल का जवाब देते हैं, और तभी इनके इनको ये सवाल का जवाब नहीं मालूम है, पढ़ाई के दौरान ही ये सवाल आते हैं, वहाँ जवाब आते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए बच्चे कितनी मेहनत करके 10 के 10 सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। तो सामान्य ज्ञान के ज्ञान को विकसित करने के लिए हम लोगों ने, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और उन्हीं की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के प्रति उनका अगाध प्रेम है, उनके साथ बात करने का मौका भी मिलता है और उन्होंने शिक्षा की अलख को जगाने का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आपके दिमाग में इस तरह का आइडिया कहाँ से और कब आया? एक दिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे तो वहाँ पे शिक्षा के बारे में चर्चा होने लगी। उन्होंने सामान्य ज्ञान के बारे में कहा कुछ ऐसा विद्यालय में करो कि बच्चों के अंदर वो विकसित हो, और उसी दिन से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का प्रारंभ किया और लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और लगातार करेंगे। एक एक विद्यालय का बच्चे को हॉट सीट पर बैठाने का हमारा लक्ष्य है कि जब तक एक एक बच्चा विद्यालय का हॉट सीट पर न बैठे और सैकड़ापति बनकर न जाए तब तक इस कार्यक्रम को हम लोग करते रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? विक्रम सिंह, अनुदेशक। अनुदेशक इस विद्यालय में किस पद पे है? अनुदेशक हूँ। अनुदेशक जी। तो ये चरगावा क्षेत्र का विद्यालय नारायण जी कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर। हम इस समय चरगावा क्षेत्र के नारायणपुर कंपोजिट विद्यालय पर थे। आपको देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को ज्ञान वर्धक बनाने के लिए इस तरह के ट्रेंड जो चल रहे हैं, खेल के रूप में उनको पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सामान्य ज्ञान की एक जानकारी बच्चों के अंदर प्रेरणा होगी, कहीं ना कहीं जीतने की, और जब जीतने की लालच हो, लालसा होगी उनके अंदर, तो वो ना अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और सारे बच्चे, एक एक बच्चे हर सीट पर बढ़ने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे प्रतिस्पर्धी होंगे और कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि इस सीट पर हमें भी बैठने का अवसर मिले, इससे विद्यालय का नाम भी आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था है उसको और बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। बाकी खबरों के जुड़े रहो।